मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में भाजपा जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में खरगोन भाजपा कार्यालय में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल पहुंचे और भाजपा के कार्यों का बखान किया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में भाजपा के कई योजनाएं चलाई है जिसका लोगों ने लाभ लिया। वहीं आगामी समय में आत्मनिर्भर के सपने को पूरा करने की बात कहते हुए सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि कौशल विभाग के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक उद्योग स्थापित करके लोगों को रोजगार देने के लिए वो सतत प्रयास कर रहे हैं और आगामी समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करने की तैयारी में है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एक 4 पृष्ठों का एक विवरण हमने आप सबको सरकार के कामों का दिया है और इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो थोड़ा आप सबको बताने में मुझे गर्व भी हो रहा है और हम सब भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए। 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब शपथ ली तो उनका एक वाक्य था उस समय कि ये सरकार जो बन रही है ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है और ये सरकार गरीबों के उत्थान करने का संकल्प लेकर बनने वाली सरकार है। और ये 2014 से लेकर आज हम 2022 में बात कर रहे हैं जिसकी बात आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने कही थी 8 वर्ष होने के बाद में उसके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 8 वर्ष में मोदी जी की सरकार हमारी सरकार ने जो काम किए उसके मायने क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा कि सरकार गरीबों की है, गरीबों का समर्थित सरकार है। उन्होंने तय किया कि लंबे समय से जिनके सर पर छत नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। तो इसे ग्रामीण और शहरी दोनों वर्ग में हम अगर खरगोन नगर पालिका की बात करें महेश्वर देश में हो रहा है जिसके माध्यम से गरीब कल्याण की चल रही कितनी योजना है उन हितग्राहियों तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तो परिवारों से संपर्क करने का काम कर रहा है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किए गए हैं आम जन के लिए उन चीजों को लेकर भी आम लोगों के पास तक वो व्यवस्था है वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है तो हमसे भी संपर्क करने का काम चल रहा है। जैसे कि हमने 31 तारीख से इस कार्यक्रम को शुरू किया था 8 वर्ष पूर्ण होने पर और ये 13 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम पंचायत स्तरों तक बूथ स्तरों तक चलेंगे जिसके इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार एवं केंद्र की सरकार एवं प्रदेश सरकार की जितनी योजना है उनको लेकर भी आम जनमानस के बीच में जाने का हमें एक मौका है। उसके अंतर्गत हमको बहुत सारी बातें सुनने को समझने को भी मिलती है। इसी हेतु भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर 3 और 4 तारीख में प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी सरकार की 8 साल की योजनाओं को आम जन तक आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सबसे जनता पार्टी अपने वैचारिक अधिष्ठान पर काम करती है। ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार थी और इसलिए उस आधार पर ये सरकार काम कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल हो जो अगर सरकार पर काबिज होती तो उसके काम का मूल्यांकन होता है, उसके काम का आकलन होता है, जनता के सामने उसको बताना पड़ता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो ताकत से हम पार्टी के कार्यकर्ता जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष हमारे रणजीत डंडे जी, भरतराम जी, हमारे इस अभियान के प्रभारी लक्ष्मण जी, बाबूलाल जी, हम सब लोग पार्टी के प्रमुख लोग, पूर्व विधायक और सभीगण इस अभियान को लेकर हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये आईना है हमारे सोच का और हमारे कामों का। और इसलिए हम कहते हैं कि हम सेवा के नाम पर, सुशासन के नाम पर, गरीब कल्याण अभियान के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और इसलिए हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहते हैं कि ये सरकार जो गरीबों को समर्पित सरकार थी गरीबों के लिए कितना काम किया। एक नहीं, हजार नहीं, लाखों हितग्राही इस खरगोन जिले में है। उज्ज्वला की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, हम प्रधानमंत्री सड़क की बात करें, हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, हम स्किल इंडिया की बात करें, हम स्वनिधि की बात करें, इतनी तमाम प्रकार की योजनाएं, इतनी योजनाएं इसको गिनाकर हम थक थक जाएंगे। ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें भारत की सरकार का और मध्य प्रदेश की सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर एक एक घर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना का और मध्य प्रदेश के शिवराज जी की सरकार की योजना घर घर चली गई। ये प्रदेश की जो पूर्व मंत्री है विजय लक्ष्मण सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि एक तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं और मुख्यमंत्री खिलौना
कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, पर हमारी सरकार बेरोजगारी को लेकर रोजगार में जितना काम करे कोई भी सरकार नहीं कर पाई। हम प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से रोजगार खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौशल विकास के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं, स्किल इंडिया के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं, हम उद्योगों के माध्यम से लोगों को छोटे छोटे उद्योग दे रहे हैं, हम स्वनिधि के माध्यम से छोटा छोटा रोजगार खड़ा कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम गांव में पैदा होने वाली चीज़ वन उद्यान वाला मामला हो उसका प्रोडक्शन वहीं शुरू हो, उसका स्किल वहीं शुरू हो, तो वहीं से वो गाँव का लाभ भी कमाते हैं। तमाम प्रकार की योजनाएँ हमारी सरकार कर रही है, मतलब रोजगार का ऐसा कोई अवसर नहीं, हमारे घर आइए और हम उसको रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार रोजगार के लिए बहुत काम कर रही है। कांग्रेस के लोगों ने कोई काम नहीं किया, अगर वो काम करते तो 15 महीने की उनकी सरकार जो उनमें सरकार ताकत के बल पर चलाई थी, 15 महीने बाद जब चुनाव हुए कुछ विधानसभा में, जनता ने उनको 15 महीने में ही बाहर कर दिया। विगत 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश में 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को विश्वास हो गया कि रोजगार का क्षेत्र हो, आत्मनिर्भर का क्षेत्र हो, गाँव के विकास का क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए लगत जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।